फ्रेंड्स, 2023 एग्ज़ाम के लिए ये लास्ट वीडियो है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन वाई। ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हम एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं तो ये स्टेबल रहता है, अगर जरा सा भी मॉइस्चर होगा तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये है पहला क्वेश्चन, ग्रिगनार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन वाई। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। एक बार फिर से देखिए, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। ये सेकेंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन, नंबर वन गेटरमैन कोच रिएक्शन, रोजनमुन रिडक्शन, वुल्फ किशनर रिडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अब देखिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, आपको पता है फिनॉल कलरलेस होता है, लेकिन एयर के कॉन्टेक्ट में आकर ये फिनॉल पैराबेंजो क्विनोन का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से ये पिंक कलर का हो जाता है, और फिर ये पिंक कलर कुछ देर के बाद, यानी कुछ समय के बाद, ये डार्क रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पैराबेंजो क्विनोन है, ये फिनॉल के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है, इसलिए वो रेड हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमाइंस। ये क्वेश्चन, इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइल अमाइन। अब देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन पर ध्यान दो, व्हाई आर एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमाइंस। अब सिक्स पे देखिए, व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइल अमाइन। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अब देखिए, इथाइल अमाइन में इथाइल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, और यहाँ एनिलीन में रेजोनेंस होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फिनाइल ग्रुप की वजह से इसमें माइनस आई इफेक्ट होता है। तो जब एनिलीन के अंदर फिनाइल ग्रुप होने की वजह से इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन के पास जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन रिंग की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए एमिनो ग्रुप के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इसलिए वो लेस बेसिक होता है। और इथाइल अमाइन में, इथाइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, जिसकी वजह से एमिनो ग्रुप के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, ये मोर बेसिक होता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन तो आपको बता ही रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी सी हिंट भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है, वैसे तो आप जानते ही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्टीफंस रिएक्शन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, ये देखिए, एक्सप्लेन स्टीफंस रिएक्शन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। देखिए, यहाँ पर स्टीफंस रिएक्शन तो आपको पता है, आप जानते हैं, अब बेंजोइन कंडेंसेशन में ये बेंजाल्डिहाइड को ज्वाइन कर दिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अमंग फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, विच इज मोर रिएक्टिव एंड व्हाई। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, इसके अंदर हमको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो आपको पता है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में एसीटोन लेस रिएक्टिव है, फिर एसिटाल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, और सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है तो वो फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये मैंने आपको बता दिया।
एक बार फिर से क्वेश्चन को देखें, अमंग फॉर्मल्डिहाइड एसेटल्डिहाइड एंड एसीटोन विच इज मोर रिएक्टिव एंड व्हाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल। आपको फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलो अल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरिन्स व्हाई। हेलो अल्केन्स मोर रिएक्टिव होता है हेलो एरिन से, क्यों? तो इसका आंसर देखिए, आप दो तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। एक तो आप हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आंसर लिख सकते हैं, हेलो अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हेलो एरिन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और दूसरा आंसर आप रेजोनेंस के थ्रू लिख सकते हैं। तो दोनों ही आंसर यूजफुल हैं, आप इसके आंसर को दोनों ही तरह से लिखें, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी लिखें और रेजोनेंस के थ्रू भी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इस तरह से रिएक्शन दी जाएगी जिसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप देखिए, ये एनिलीन है जिसको एक्वस ब्रोमीन के साथ यानी ब्रोमीन वाटर के साथ आपको रिएक्शन कराना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप एनिलीन लेंगे और 3Br2 के साथ आप इसकी रिएक्शन कराएंगे। 3Br2 का मतलब होता है 3Br3Br, जिसको देखो मैं यहाँ लिख के बता दूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर आप 3Br एंड 3Br ऐसे लिख लें आप। अब आपको पता है कि एनिलीन में जो एमिनो ग्रुप है ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, यानी ये आर्थो और पैरा पर ही अटैक कराता है। तो ये जो 3Br है, एक आर्थो पैरा और आर्थो पर अटैच हो जाएंगे, यहाँ से 3H निकलेंगे, वो 3 अदर Br के साथ 3HBr का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर CCH5N2Cl H3PO2 और ये है प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को भी कंप्लीट करना है। अब देखिए, इसमें इसको कंप्लीट करने के लिए करना क्या है, देखो मैंने वापस से यहाँ इसको लिख लिया। अब देखिए, सबसे सिंपल तरीका ये है कि H3PO2 अनस्टेबल होता है, ये H2O से ऑक्सीजन को लेकर के H3PO3 को फॉर्म कर लेता है, जिससे ये स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन को ले लेगा और H3PO3 बना के ये स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ H कितने बच गए, 2, उसमें से एक HCl यहाँ से निकल जाएगा, ये देखिए, फिर N2 भी निकल जाएगा और एक जो H बचा था वो C6H5 के साथ जुड़कर C6H6 का फॉर्मेशन है, बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर C6H5N2Cl, फिर ऊपर लिखा हुआ HBF4 और नीचे NNO2 कॉपर के साथ और साथ में हीट है। देखिए डियर, जब भी एरो के साथ इस तरह से दिया जाए तो पहले इसका मतलब है कि आप पहले इससे रिएक्ट कराओ, फिर जो भी प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फिर उसको आप इस तरह से रिएक्ट करा के फिर आगे को प्रोसेस कराओ। तो चलो देखते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं, लिख लिया, HBF4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए, ये HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, BF4 इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो गया। इसको वापस से लेंगे हम, जो NaNO2 और कॉपर के साथ जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ज़रा ध्यान देना कि ये N2 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर। अब BF4 है तो यहाँ से BF3 निकल जाएगा, एक F बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले BF3 आपने बाहर निकाल दिया, अब यहाँ पर जो एक F बचा वो Na के साथ NaF बनाकर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये देखिए, बाहर हो गया यहाँ पर NaF। अब ये जो NO2 बचा, ये NO2 क्या हो जाएगा, C6H5 के साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं, ये 11th नंबर क्वेश्चन था, अब हम ले रहे हैं 12th नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, ये न्यूमेरिकल है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स। इफ द डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब ये स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप को पता है
कि इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आप जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, ये देखिए कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, इसमें रेट कांस्टेंट आपको निकालना है, और आप खुद देखें इसमें हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है कितना, 60 मिनट दिया हुआ है। तो आप करेंगे क्या, चलो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर ये, के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी एंड हाफ, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर टी एंड हाफ आपको कितना दिया है, वो दिया है आपको 60 मिनट, तो बस 0.693 को ऐसे से लिख लो, और टी एंड हाफ जो 60 मिनट दिया है उसको आप ऐसे लिख लो। अब मिनट को हम कन्वर्ट करें किस में, सेकेंड में, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60, तो आप क्या करोगे 0.693 और यहाँ 60 × 60, मिनट की जगह 60 लिख दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 0.693 अपॉन 3600। जब 0.693 में आप 3600 का डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 0.0001925, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट 1.15 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्ड्स, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन में ये रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर की है, इसमें रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, और यहाँ पर आपको टाइम निकालना है। अब देखिए रिएक्टेंट इनिशियली कितने थे, 5 ग्राम, बाद में कितने हो गए, 3 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे कि जब भी किसी क्वेश्चन में कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर हम a माइनस एक्स की जगह पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, और जहाँ कंपैरिजन नहीं होता तो हम सिर्फ एक्स की जगह वैल्यू पुट करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए आप जानते हैं, ये देखिए t इक्वल टू यहाँ पर 2.303 और यहाँ पर जगह k log a अपॉन a माइनस एक्स, ये देखिए ये फार्मूला है, इसमें t टाइम ऑफ रिएक्शन, k रेट कांस्टेंट, k a इनिशियल कंसंट्रेशन, और a माइनस एक्स को हम लोग बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, और x को हम लोग बोलते हैं गिवन कंसंट्रेशन। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी किसी क्वेश्चन में कंपैरिजन हो, अब कंपैरिजन क्या है, यहाँ पर देखिए शुरू में 5 ग्राम था, रिड्यूस होकर कितना हो गया, 3 ग्राम, तो ये कंपैरिजन है। जब भी कंपैरिजन होता है तो हम 5 ग्राम को a की जगह पर रखेंगे और 3 ग्राम को हम a माइनस एक्स की जगह पर पुट करेंगे, और k तो ये दिया ही हुआ है यहाँ पर 1.15 × 10³ सेकेंड वर्ड्स, आप पुट कर देंगे यहाँ पर। देखिए जिसको यहाँ पर अपन पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर ये t इक्वल टू 2.303 और k की जगह पर वैल्यू हम रखेंगे 1.15 × 10³, ये हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड इनवर्ड्स और log, और a की जगह पर हम रखेंगे यहाँ पर 5 ग्राम और यहाँ पर रखेंगे हम नीचे a माइनस एक्स की जगह 3 ग्राम, ग्राम से ग्राम हटा दो। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा log m अपॉन n वाला, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा t इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 × 10⁻³, ये हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड इनवर्स और log 5 माइनस log 3। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, log 5 और log 3 की वैल्यू पुट करना है, तो देखिए t इक्वल टू 2.303 और अपॉन में आ जाएगा 1.15 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स और log 5 की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771। अब जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो यहाँ देखिए t इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स और यहाँ पर बचेगा 0.2219, इतना बचा। अब डियर ये ऊपर बचेगा यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए 2.303 × 0.2219। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड जब आप करेंगे तो t इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आएगा 444 सेकेंड आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरह से है, इफ़ अ करंट, ये देखिए इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर
flows through metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटलिक वायर फॉर 2 आवर्स, देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर. अब हमको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर. तो जब भी डियर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है कि उस मेटलिक वायर में या किसी भी मेटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उसका आप डायरेक्ट एक फार्मूला जो है आप लिख सकते हैं. फार्मूला कुछ इस तरह से है, ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं. यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटलिक वायर, ये देखिए मेटलिक वायर वायर इक्वल टू, देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटलिक वायर इक्वल टू, यहाँ फार्मूला आएगा 6.023 इंटू 10^23, और नीचे आएगा फेराडे 9650, और यहाँ पर आएगा कूलाम, या फिर आप ले सकते हैं आईटी, ये आईटी, क्यू इक्वल टू आईटी होता है, क्यू ले लो या फिर आईटी ले लो, ठीक है. तो ये है फार्मूला, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाए. अब यहाँ देखिए आई करंट इन एम्पेयर और टाइम यहाँ पर सेकेंड में होता है, ठीक है. टाइम इन सेकेंड और करंट इन एम्पेयर, आई मीन्स करंट इन एम्पेयर और टी एन टाइम इन सेकेंड. तो अब हमको क्या दे रहा है, करंट जो दे रखा है हमको 0.5 एम्पेयर, तो यहाँ पर आई जो हमको दे रखा है वो कितना 0.5 एम्पेयर दे रखा है, ठीक है. और टाइम कितना दे रखा है हमको, 2 आवर्स. तो जो 2 आवर्स है, आवर में आपको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम यहाँ पर 60 × 60 इस तरह से लिख देंगे, ठीक. तो आई की जगह 0.5 और यहाँ पर 2 आवर्स की जगह 2 × 60 × 60 हम लिख देंगे, ठीक है. तो चलो लिख देते हैं, यहाँ पर ये मैंने ऐसे अक्सर लिख लिया, और यहाँ पर 0.5, फिर 2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 60, फिर इंटू 60 ऐसे लिख लिया. जब इतने पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 6.023 × 10^23, और यहाँ पर आएगा 9650, और यहाँ पर आएगा 3600, ठीक. अब जब इसका मल्टीप्लाई और इसका डिवाइड करेंगे तो आपके पास का आंसर आएगा 2.246 × 10^22 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उस मेटलिक वायर में 2 घंटे में इतने इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, जिसका मॉलिक्यूल फार्मूला दे रखा है C6H8O6, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर KF = 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स मोल पर लीटर, ये इतना दे रखा है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है इतना, ठीक है. अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मैं एक बार बता दूं कि ये देखिए, ये इस फार्मूले से सॉल्व होगा, ये ΔTF = KF × WB/mV × 1000 × WA. देखिए एक बार फिर से, ΔTF = KF × WB × 1000/mV है ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू ए, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट. अब हमको निकालना क्या डियर, हमको निकालना यहाँ पर डब्ल्यू बी है, तो डब्ल्यू बी को हम यहीं रहने देंगे, एम बी को हम इधर ले जाएंगे, डब्ल्यू ए को भी इधर ले जाएंगे, और इसके अपॉन में इस के एफ को लाएंगे और 1000 को लाएंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा अब वो ये हो जाएगा, ये इतना, ठीक. अब इस क्वेश्चन में जो ΔTF है
उसकी वैल्यू कितनी है 1.5, ठीक है। तो डेल्टी एफ की जगह हम 1.5 रख देंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में तो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और ये वैल्यू केल्विन में दे रखी है, तो फिर आप यहाँ पर ये वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये केल्विन में ही पुट कर रहे हैं हम इसको। अब आप खुद देखिए डेल्टी एफ होता क्या है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, इसका मतलब क्या हुआ? आप डिग्री सेंटीग्रेड की जगह इसको केल्विन में रख लो, इसको केल्विन में रखो, तो इसका आंसर भी काय में आएगा, केल्विन में ही आएगा ना। अगर आप इसका डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हो, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हो, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, ठीक है। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर भले उसने डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, मगर आपको पता है कि ये इसमें होता है, इसलिए आप उसको प्लस 273 इसमें पुट कर दो, प्लस 273 इसमें पुट कर दो, तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो 1.5 केल्विन, अब ये केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि डेल्टी एफ 1.5 और यहाँ पर मोलर मास 176 होता है, किसका? C6H8O6 का, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, मोलर मास लिख दोगे, WA ये 75 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ एसिटिक एसिड क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया मैंने 75 और ये 3.9, ये के एफ की वैल्यू है, फ्रीजिंग कांस्टेंट है ये देखिए के एफ 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल पर लीटर। तो यहाँ पर ये 3.9 भी लिख दिया इनटू 1000 तो ऑलरेडी है ही। तो डियर स्टूडेंट, जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5.08 ग्राम, ये इतना आंसर आएगा, ठीक है, ये इतना आंसर आ जाएगा। आप इसको एक बार फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, डेल्टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू, ये फार्मूला होता है आपको, लेकिन डब्ल्यू बी निकालना है। तो देखिए क्या क्या होगा, पहले एम बी को डेल्टी एफ के साथ ले जाएंगे, डब्ल्यू ए को भी ले जाएंगे, के एफ को नीचे लाएंगे और 1000 को नीचे लाएंगे, तो यहाँ डब्ल्यू बी बचेगा, ये देखिए इतना बस। अब यहाँ पर जो वैल्यू है उन सबको पुट कर दो, डेल्टी एफ की जगह 1.5, एम बी की जगह 176, डब्ल्यू ए की जगह 75, के एफ की जगह 3.9, 1000 ऐसे कैसे ही है। जब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद और इसका भी मल्टीप्लाई करना, जब डिवाइड करोगे तो इसका एक्चुअल आंसर क्या आएगा डियर, ये आ जाएगा। देखिए अभी मुझे सिर्फ आपको क्वेश्चन बताना है जल्दी जल्दी, है ना, एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम आगे की तरफ चलें, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, वाई टू गैसेस ऑलवेज टेंड्स टू बी लेस सोल्यूबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। तो वो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझें। वाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सोल्यूबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज। इन्होंने ये कहा कि जब किसी भी सॉल्वेंट में गैस डिजोल्व होती है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, ऐसा क्यों? तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी कोई गैस सॉल्वेंट में डिजोल्व होती है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अकॉर्डिंग टू ली चटर्ली प्रिंसिपल, आप जानते हैं जब कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसका टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तो जो उसका इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि जो गैस उस सॉल्वेंट में डिजोल्व पहले ज़्यादा थी, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, निकलने लग जाती है, यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। तो अब अगर हमको सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रखना है, तो टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कम रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो हमको सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रखना है, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन ड्राई सेल विद रिएक्शन एंड डायग्राम। आपको यहाँ पर क्या करना है डियर, देखिए ड्राई सेल का आपको लेबल डायग्राम बनाना है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना है और साथ में उसकी रिएक्शन लिखना है। और एक बात और, उसका जो डिफेक्ट होता है वो ज़रूर लिखें आप। आपको पता है ड्राई सेल दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल ड्राई सेल होता है, एक लीक प्रूफ सेल होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इसके डिफेक्ट भी लिखना है, किसके
ड्राई सेल के डिफेक्ट भी लिखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ डेनियल सेल विद रिएक्शन। देखिए डियर, एक बात बता दूं मैं आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। आपको करना क्या है, इसका डायग्राम बनाना है, इसका डिस्क्रिप्शन कर लिखना है, साथ में इसकी रिएक्शन भी लिखना है जो कि एनोड और कैथोड पर होती है, ठीक है, और इसका वोल्ट तो पता है आपको, 1.10 वोल्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, राइट द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। आपको लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में कम से कम 5 डिफरेंस याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन फॉलोइंग आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आप जब इसको लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, इसका एग्जांपल लिखते हैं, तो इसके टेस्ट भी लिखा करो, है ना। ठीक है, जैसे एक तो हम BaCl2 के साथ, एक AgNO3 के साथ, है ना, दोनों को हमें लिखना पड़ता है। और ये लिंकेज आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जब भी आप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो, चाहे ऑप्टिकल हो, चाहे लिंकेज हो, चाहे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो, इनको डिफाइन करने के बाद एग्जाम्पल को अच्छे से लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, एक्सप्लेन व्हाई Cu पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइट। अब देखिए कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आपको इसके अंदर करना क्या, सिनर्जिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना है। आपको पता है जो मेटल कार्बोनाइल होते हैं उसमें सिग्मा बॉन्डिंग होती है एज वेल एज पाई बॉन्डिंग भी होती है, दोनों तरह के बॉन्ड उसमें होते हैं। ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग में भी यही होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है और पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो वही हमें बताना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe-CN6-4 नेगेटिव एंड Fe-H2O6-2 पॉजिटिव आर डिफरेंट कलर्स इन डायल्यूट सॉल्यूशन, व्हाई। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिए, ये 24th नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ विल यू कन्वर्ट फॉलोइंग, नंबर 1 एनिलीन टू फिनाइलाइसोसाइनाइड, Bute-1 into Bute-2 in, टॉल्विन टू बेंजाइल एल्कोहल, फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड, क्लोरोबेंजीन टू DDT। तो ये डियर स्टूडेंट्स कुछ कन्वर्जन है, यानी एग्जाम में कन्वर्जन भी हमको प्रिपेयर करना जरूरी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें, राइट द फिडलक्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनिसोल। तो आपको यहाँ पर जो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है वो एनिसोल की लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कैन यू ऑब्टेन फॉलोइंग फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से आपको देखो क्या क्या बनाना है, नंबर 1, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, पिकरिक एसिड, एनिलीन, बेंजीन, ऑर्थोक्रिसोल एंड पैरा क्रिसोल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27th नंबर और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉलोइंग, नंबर 1 मोलासिस, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपको करना क्या है, आपको पता है शुगर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा, फिर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में फिर क्या करेंगे आप, उसका ईस्ट की प्रेजेंस में जब फर्मेंटेशन करते हैं तो वहाँ पर इथाइल एल्कोहल के साथ CO2 गैस का भी क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको क्या करना है, इसके अंदर लिखना है। एक बार फिर से देखिए, मैंने बोला आपको शुगर से, आप जब हाइड्रोलो शुगर का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा, फिर ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज, तो जो ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट होता है उसका हम फिर से क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तो किसकी प्रेजेंस में, ईस्ट की प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है, इथाइल अल्कोहल, साथ में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए
अगला है क्लेमेंशन रिडक्शन, और फिर यहाँ पर है मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, और आखिर में है यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, ये 2023 एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी वैल्यूबल साबित होंगे। ठीक है, थैंक यू।